बालाघाट जिले में होली के दिन सड़कों पर हुड़दंग मचाना अब भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस दिन हुड़दंग मचाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना पुलिस प्रशासन द्वारा बना ली गई है। गौरतलब है कि प्रशासन द्वारा होली के दिन सड़कों पर किसी भी प्रकार के वाहन से घूमना, नदी नालों में स्नान करना, समूह के साथ सड़कों पर निकलने को भी प्रतिबंधित किया गया है। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करने, उनका वाहन जब्त करने और उन्हें कोर्ट में पेश कर दंडित करने की तैयारी पूर्ण कर ली गई है, जिसकी तमाम जानकारी पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने पत्रकारों को काफी बढ़ गया था, उसको भी रोकने या उसको कम करने के लिए भी गाइडलाइन जारी हुई है। महाराष्ट्र से आने जाने वाली जो यात्री बसें हैं उनके लिए भी कम से कम इनफैक्ट आगामी 31 तारीख तक वो नहीं होगा। इसी के संबंध में मैं होली जो आने वाला त्यौहार, एक बड़ा त्यौहार जो हमारे ज़िले में, शहर में, जिले प्रदेश और देश में भी हर्षोल्लास से मनाया जाता है, परंतु कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो एक पूरे प्रदेश में एक अभियान की तरह चल रहा है कि मेरा परिवार मेरी होली, मतलब अपनी होली हम अपने परिवार, अपने घर के भाइयों और रिश्तेदारों के साथ ही खेलें, जिससे कि आपस में जो एक भीड़ या एक समूह या एक ऐसी तरह जो यदि कभी निकलने का वो रहता है होली के दिन, वो ना हो। उसके संबंध में स्पेसिफिक गाइडलाइन भी जो क्राइसिस मैनेजमेंट ने की है, मीडिया के माध्यम से सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सभी को ये आग्रह करना चाहूँगा कि होली वाले दिन बालाघाट शहर में और बालाघाट जिले के अन्य कस्बों में भी टू व्हीलर्स का और फोर व्हीलर्स का, मतलब किसी भी तरह के वाहन का जो उपयोग है वो प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए कमेटी ने सर्वसहमति से निर्णय लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि होली के दिन, जैसे कि पहले कभी प्रथा रही है कि हम लोग होली खेलने के लिए अपने दोस्तों या मित्रों या संबंधियों के घर चले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करने लगते हैं, तो वो ना करें। दूसरा ये है कि वाहनों का उपयोग ना करने का ये मतलब नहीं कि पैदल ही इकट्ठे होकर कहीं चल रहे, मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने आप को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने पूरे जिले के रहवासियों को हमें कोरोना से बचाना है, तो उस दिन भीड़ में शामिल होने से बचें। उस दिन सभी तरह के जो समूहों में निकलना है उसको भी प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही साथ कई बार ये देखा गया है, जैसे कि बालाघाट शहर में जो गंगा जी हैं, तो उसमें भी जाके कुछ लोग स्नान करते हैं पूजा के बाद, तो उसको भी प्रतिबंधित, घाटों का उपयोग स्नानित किया। तो ये तीन मुख्य गाइडलाइंस हैं जो हमें ना सिर्फ बालाघाट शहर बल्कि पूरे बालाघाट जिले में जिनका पालन करना है, कि किसी भी तरह में, किसी भी उसमें समूह में नहीं आना है। जो हम होली खेलें अपने परिवार के साथ खेलें, अपने जो मिनिमम जिसके कॉन्टैक्ट में आप हमेशा हैं उन्हीं के साथ खेलें। वाहनों का उपयोग आपको होली मिलन के लिए नहीं करना है, कोई इमरजेंसी का सिचुएशन है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कहीं आप दवाई लेने जा रहे हैं, तो वो जो व्यक्ति विशेष है उसको देखकर समझ में आ जाएगा, उनके पास वो सत्कालीन यानी वहाँ पर ड्यूटी में उपस्थित जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं या कार्यपालिक अधिकारी हैं उनसे आप बताइए, तो वो आपको अलाउ करेंगे, परंतु इसका दुरुपयोग नहीं करना है। यही सर आप सभी से निवेदन है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।